जय भतेश्वरी भक्त। सप्तम अध्याय के बाद अब आठवें अध्याय की ओर हम पहुंच चुके हैं। सप्तशती के इस लंबे सफर में मैं पूर्ण 13 अध्याय आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उसी कड़ी में आज ये आठवां अध्याय। जय महादेश्वर। चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दे दी। वो बोला कि सभी युद्ध के लिए तैयार है। भयानक शासन करने वाला असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे के सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्तुत हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग भुजा दिया। तदनंतर देवी के सिंह ने बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। अंबिका ने घंटे की शब्द से उस ध्वनि को और बढ़ा दिया और महा योद्धाओं के साथ भगवती का युद्ध हुआ। मां ने सभी पर अपनी शक्तियों का प्रभाव डालते हुए उनका संहार किया और बार बार वे असुर पैदा हो रहे थे। मां ने उसका भी इंतजाम किया। रक्त से प्रकट हुए असुर द्वारा संपूर्ण जगत में उन्होंने जो उत्पाद मचाया। मां ने कहा, देवताओं को उदास देखकर चंडिका ने काली मां से कहा, मां चामुंडे तुम अपना मुख और भी फैला तथा शस्त्र पास से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और महादैत्य को अपने उतावले मुझ से खा जा। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई रण में विचरती रहो और ऐसा करने से दैत्य का सारा रक्त इक्षिण होने पर वह स्वयं ही मर जाएगा। मां ने ऐसा ही किया। रक्त के गिरने से काली के मुख से जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें वह चट कर गई और रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। फिर देवी मां ने रक्त बीज को जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था वज्र बाण खड़ तथा ऋषि आदि से मार डाला। इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर पड़ा था। इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मद से उद्धत होकर नृत्य करने लगा। इसी प्रसंग का वर्णन इस अध्याय में। सिद्धमयी किरणों से सजी भवानी माँ रंग लाल नैनों करना जोड़ू में दोनों हाथ घर में पाशा कुश धरे शोभे धनुष बाण मात भवानी अम्बे माँ नैना मीत धर्म्यान चंड मुंड मारे गए असुरन हुआ संहार शुंभ के मन में क्रोध हुआ भरने लगा हुंकार आज उदायुध छियासी करे युद्ध प्रस्थान कंभ दैत्य के चौरासी संभाले कमान 50 कोटि वीर कुल उम्र कुल सौ साल की आज्ञा से चले करे घोर अट्ठास कालक दौर हद मौर और काल के तैयार शुंभ ने हुकुम सुना दिया मैया पे करवार सहस्र सुरों संग लिए शुंभ किया प्रस्थान
माँ को जीत में चल पड़ा, किया है युद्ध प्रयास। शुंभ की सेना देख माँ धनुष भरी टंकार, जल थल मध्य भाग में मच गया हाहाकार। सिंह दहाड़ जोर से घंटा की ध्वनि हो, सभी दिशाएं गूंज उठी असुर कांपे हर कोई। काली ने मुख खोल के रूप धरा विकराल, देना सारे सहम गए देख साक्षात्कार। सुमुख नाद सुन के सभी लिए है माँ को घेर, काली देवी चंडिका गिर गया माँ का शेर। ब्रह्मा शिव कार्तिक विष्णु की शक्ति थी महान, उनके तन से निकल के माँ बनी शक्तिमान। अपने अपने वेश के सबके वाहन संग, सभी देवता चल पड़े मन में भरे उमंग। अक्ष सूत्र और कमंडल हंसा जल विमान, ब्रह्मा की शक्ति चली ब्रह्माणी था नाम। शिव शक्ति थी वृषभ पर धारे त्रिशूल हार, कंकण धारी माथे चंद्र रेखा भी है सार। कार्तिकेय की जगदम्बा थी मयूरवासी, आत्म शक्ति लिए हुए युद्ध में हो गई लीन। शंख चक्र करा हाथ में खड्ग धनुष और बाण, रूप भयंकर धारी माँ गरुड़ विराजमान। वराह तन धारण किए हरि शक्ति भी आए, अनुपम यज्ञ वराह का देख सभी हर्षाए। नरसिंह शक्ति देखो नरसिंह रूप में आए, झटके पाल जो ग्रीवा के तारे बिखरे जाए। वज्र हाथ शक्ति लिए बैठे ऐरावत आए, इंद्र के जैसा रूप है सोमना दर्शाए। शिव ने चंडी से कहा मैया ध्यान धरो, मेरी प्रसन्नता के लिए असुर संहार करो। परम उग्र हुई चंडिका थी घन घोर आवाज, सैकड़ों की तालियों की भांति गूंज रही थी गाज। माता बोली शिव जी से मेरे दूत तुम बन जाओ, जीवित रहना जो चाहे असुर जा पाताल छुप जाओ। इंद्र त्रिलोकी राज करें देवता भोगे भो, जीवित रहने का असुरों यही सुंदर सत्यो। फिर भी अभिलाषारण की जो तुम्हारे मन में आए, योगिनिया मेरी तुम्हारे मास से तृप्त हो जाए। शिव को दूत नियुक्त किया असुरन किया भिजाए, इसी लिए मां के शिव दूती कहनाए। शिव मुख देवी वचन सुने असुर कुपित हो जाए। जहाँ कात्यायनी विराज थी वही वे बढ़ते जाए, अस्त्र वृष्टि करने लगे बाणों की बोझार। माने काटे शस्त्र सभी धनुष भरी कंकाल, फिर काली करने लगी आ, 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 आ,
फिर काली करने लगी शूल से शत्रु प्रहार, रणभूमि में घूमती करे असुर संहार, जल का मंडल छिड़क के असुरों को रही मार, माहेश्वरी त्रिशूल से वैष्णवी चक्र प्रहार, सैकड़ों दानव मर गए इंद्र के वज्र प्रहार, वाराही शक्ति ने भी थुन थुन किया प्रहार, नारसिंह ने नखों से विदीर्ण करके खाए, सिंहनाद से नभ धरा चार दिशा गुंजाए, शिव तूती अट्टहास से दल दानव गिर जाए, गिरते ही धरती पेमा मुख में ग्रास बनाए, मातृगणों को देख के नाना जो करे उपाय, डर गई असुरों की सेना रण से भागे जाए, युद्ध से भगता देख के काली भी झलनाए, युद्ध से भगता देख के रक्त भी झलनाए, क्रोध से भर के माता के नियर दौड़ा जाए, रक्त बूंद धरती गिरे दैत्य महा बन जाए, शक्तिशाली असुर बने और रण में धूम मचाए, इंद्र शक्ति के साथ में हाथ गदा ले आए, ऐंद्री ने भी वज्र से दिया था मार गिराए, रक्त की जो बूंदे गिरी सब दानव पुजाए, बलशाली पराक्रमी उठ के लड़ने आए, मातृगणों के साथ वे युद्ध करे घनघोर, पुनः वज्र प्रहार किया मच गए रण में शोर, फिर से रक्त बहने लगा दानव बने हजार, मातु वैष्णवी ने किया उन पे चक्र प्रहार, दैत्य सेनापति पे जो गदा से किया प्रहार, सहना पाया असुर को मैया जी का वार, रक्त जो गिरा शरीर से उपजे असुर हजार, सकल जगत में छा गया मच गया हाहाकार, कौमारी वाराही ने खड्ग से किया प्रहार, त्रिशूल से माहेश्वरी गए असुरों पर फिर वार, बार बार घायल हुआ बहे रक्त की धार, निश्चय बूंदों से हुए पैदा असुर सहजार, डर गए सारे देवता बैठे सभी निराल, कहे चंडिका काली से माँ रूप धरो विकराल, रक्त बिंदुओं को खाने मैया अपना मुख फैलाओ, उनसे उपजे असुरों का भक्षण कर दिया, भक्षण कर दी असुरों का रण में विचर दिया, असुर और ना उपजे मुंह में खा दिया, रक्त बीज पे यो कह के काली करे प्रहार, रक्त पी लिया मुख सारा मच गया हाहाकार, मात चंडिका पर किया दैत्य ने गदा प्रहार, मापन असर नापन को हुआ गया था थाली वार,
घायल तन से दानव के पही रक्त की जो धार, काली ने मुख में लिया पूर्ण रक्त अंबार। रक्त बीज का रक्त पिया दानव किया आहार, वज्र बाण अरु खड्ग से रक्त बीज दिया वार। रक्त बीज धरती पड़ा मारे किया सगा, मातृगण लचने लगे करे देव जय 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 अम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे। जयंती मंगलाकारी अद्भुतकारी पापारिणी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्ते। काली कारिवाकारी काली के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्ते। नारायण